मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड के अंतर्गत अमही पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत फेज टू में ठोस एवं तरल अवशिष्ट कचरा प्रबंधन का शुभारंभ किया गया। सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने इस मौके पर डोर टू डोर कचरा उठाने वाले कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचायत के मुखिया कुमारी देवी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार मंडल, जुगुत कामत, मंगनू सिंह नारायण मुखिया, सनीचर कामत, पंचायत के सभी वार्ड सदस्य व अन्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। पंचायत के मुखिया कुमारी देवी ने परिवहन मंत्री शीला मंडल का मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दोपटा से स्वागत किया। मुखिया कुमारी देवी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में आम लोगों के बीच हरा एवं नीला कचरा डब्बा वितरण कर उन्हें जागरूक करते हुए प्रखंड समन्वय अरविंद कुमार ने ठोस एवं गीला कचरा अलग अलग रखने में स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक सह परिवहन मंत्री ने कहा कि स्वच्छता स्वच्छ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब शहरों की तर्ज पर गांव में भी स्वच्छता अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इससे न सिर्फ गांव स्वच्छ रहेगा बल्कि कचरा प्रबंधन द्वारा अलग अलग कचरे से खाद बनाकर किसानों को दिया जाएगा। पंचायत की आय भी बढ़ेगी, गांव में बीमारियां नहीं फैलेंगी। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। मध्यपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट। और संकल्प से करें और सब लोग से कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे जितने अभी तो महिलाओं की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन और जितनी महिलाएं लोग आई हैं सबसे हम आग्रह करते हैं कि इनमें दाल चावल नहीं रखबे सब कोई, कि कचरा के डब्बा में जाके कहीं डिब्बा छे बढ़िया तो देखे में तो निक लगे छे, तो जे दे तो चट से दाल लह देवे, चूहा नहीं लगते, चींटी नहीं लगते, से सब नहीं सोचे के छे। ई जे काम के लिए देल गेल छे, जिस काम के लिए इसको डब्बा को दिया गया है उस काम को जरूर करना चाहिए, ताकि क्या होगा इससे हम लोग देखिए समाज में कई तरह के आज जो इतने जितना जनसंख्या भी बढ़ रहा है सब लोग हो रहा है तो बीमारी भी बढ़ रहा है कई तरह का। तो जो ये कचरा के बाद जहां तहां अत्र तत्र हम लोग सामान को फेंक देते हैं उससे होता है कई तरह के बैक्टीरिया वायरस वातावरण में फैलता है। तो ये जो कचरा में जब डब्बा में जब हम कचरा रखेंगे तो इससे हम लोग बीमार कई बीमारियों से सब लोग बच सकते हैं। जो समाज में बहुत सारे बीमारियां जो फैल रहा है उस पर नियंत्रण हो सकता है। अभी आपने कहा जल नल योजना, सोचिए ये जल नल योजना, ये पहले का लोग सोचो कर नल घुमाने के लिए लोग शहर में देखा करते, लेकिन आज धन्य हो माननीय मुख्यमंत्री जी का कि गाँव के लोग भी नल को घोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और कितनी बड़ी चीज है ये, जो पानी के कारण सबसे पहली बात जान लीजिए, पानी अगर स्वच्छ नहीं होगा तो कई तरह की बीमारी हो सकता है समाज में, और कई लोग बीमार पड़ते हैं पानी के खराब होने की वजह से। यहाँ भी पानी में आर्सेनिक था, उसके लिए सोचिए जो सभी जगह पानी सबको शुद्ध जल मिल सके उसके लिए क्या किया गया, सब हर हर घर नल जल की योजना शुरू की गई। आज बहुत अच्छा लगता है जिसके वजह से आप किसी के कुआं पे जाते थे, तालाब पे जाते थे पानी लेने के लिए तो कितनी तरह की समस्याएं आती थी, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाया करता था। तो सोचिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी गहरी बात को समझते हैं कि कैसे हमारे निचले पैदान पे बैठे गरीब गुरबा अति पिछड़ा लोग जो है जिसको कोई समाज में दिक्कत होता है वो दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया नल जल योजना की शुरुआत की ताकि लोग आपसी विवाद से बचे और कई बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। इसी तरह ये स्वच्छ कचरा अभियान जो चलाया गया है बिहार में कि आप सोचिए कितना अच्छा है कि आपके घर का जो सूखा कचरा गीला कचरा, जो गीला कचरा भी है सोच लीजिए वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, अगर उसको खाद के रूप में सुखा करके उसका खाद बनेगा तो उससे क्या होगा वो जैविक खाद जो बनेगा जब हम अपने खेत में सब्जी उगाएंगे फसल उगाएंगे तो उसमें हम उसका यूज कर सकते हैं और उससे पैदावार भी बहुत ज्यादा होगा, जैविक होगा, इसमें केमिकल नहीं रहेगा क्योंकि हमारे द्वारा निर्मित है। इसमें केमिकल वाले आते थे, कचरा ले जाते थे, कचरा उचरा कर डब्बा डुब्बी का बाद गांव तक पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं था, कल्पना भी नहीं था, लेकिन धन्य हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने इस जमीनी स्तर तक और हम लोग के बीच आज हम लोग का भी सौभाग्य हुआ कि हम लोग भी कचरा उठा करके हमारे गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं वो लोग भी अपने कचरे के डब्बे में रखेंगे कचरा। ये कितनी बड़ी बात है, पहले लोग बड़े लोग रखते थे। और ये काम देखिए कचरा जो बनता है ये नहीं सोचना चाहिए कि कचरा खराब चाहिए, काम कोई खराब नहीं होता, काम अच्छा बुरा नहीं होता है, जिसमें आपका मन लगे हृदय से करिएगा। सब लोग से आवेदन निवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे 10 महिलाएं हैं 6 पुरुष हैं, लेकिन सब लोग यहाँ पे आप लोग हमेशा ही का जिस काम के लिए चुने गए हैं इस काम को देखिए कचरा कैसे बनता है। जो सामान पहले लाते हैं हम झोला भर के सब्जी लाते हैं
तो सब्जी जो काटते हैं तो उसमें से जो अवशेष निकलता है तब ना कचरा बनता है, पहले तो वो शुद्ध ही रहता है। अगर कपड़ा खरीद करके हम ले आया, उसका कटिंग करके कपड़ा सिलते हैं, जो कटपीस निकलता है वो क्या हो जाता है, कचरा हो जाता है। तो वो कचरा खराब चीज नहीं है, ये मन में नहीं बैठाना। और ये समाज के लोगों से भी कहते हैं कि कभी ये नहीं सोचेगा कि इन लोग कचरा उठाते हैं। कचरा काम बड़ा छोटा नहीं होता है, हृदय से होना चाहिए।